नमस्कार। तो दोस्तों मेरा नाम संजय है, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास भी कोई का टाटास्काई का सेटअप बॉक्स काफी दिनों से पड़ा हुआ है, यानी कि मान लो साल डेढ़ साल दो साल तक आपने उसे यूज नहीं किया हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अचानक आप उसे रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे, तभी उसे आप जब यूज में लाएंगे सिग्नल ट्रिक करके आप परेशान हो जाओगे, बट वहाँ पे सिग्नल बिल्कुल शो नहीं होगा। तो ये रीजन, ये मतलब ये क्यों होता है और इसको क्यों आप कैसे सोल्यूशन करते हो, सारा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो ऐसा होता है कि आप काफी दिनों तक बंद करके रखते हो तो उस फिर रिस्टार्ट करते हो तो सैटेलाइट का फ्रीक्वेंसी वगैरह वो माइग्रेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि पहले जो रहता है दिन ब दिन आदमी माइग्रेट करके ऊपर जाते हैं ना, तो उसी तरह से ये सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी वगैरह के कुछ चेंजेस हो जाता है, जिसका चलते आपका सिग्नल शो नहीं था उस सेटअप बॉक्स में। उस पर आप जितने भी ट्रैकिंग कर लो बट आपका सिग्नल बिल्कुल शो नहीं होगा। तो वो कौन सी सेटिंग्स करना है, आपको कैसे फ्रीक्वेंसी सेट करना है, सारा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। नमस्कार। तो दोस्तों मेरा नाम संजय है, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी तरह डिटर्जेंट टीवी रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो इसके लिए चलिए चलते हैं टीवी स्क्रीन पर, जाके आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप वो कौन सी सेटिंग्स करना है, उस सेटिंग्स पे कैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा और कौन सेटिंग्स करने पर आपका सिग्नल ट्रैक होगा। दोस्तों काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ, साल से बंद पड़ा हुआ है आपका कोई भी टाटास्काई सेटअप बॉक्स, आप दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका सामने कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आता है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो बताएंगे सारे डिटेल्स इस वीडियो में। अगर चैनल पर अगर नया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कर दे ऑल के निशान पे क्लिक, क्योंकि मैं सीधा ऑलवेज डीटीएच एंड टीवी रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पे लाते रहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना रिमोट पर ऑर्गेनाइजर या सेटिंग्स बटन को प्रेस करना है, फिर सिस्टम सेटिंग पे जाना है। सिस्टम सेटिंग पे जाने के बाद आपको मास्टर रीसेट को सिलेक्ट करना है। तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है कि ओल्ड फ्रीक्वेंसी में रहने के कारण आपका ये सिग्नल रिसीप्शन है, तो आप सिग्नल मिला के परेशान हो जाते हो बट आपका सिग्नल रिसीव नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद नीचे मास्टर रीसेट का प्रोसेस आया हुआ है, तो मास्टर रीसेट पे हम ओके करेंगे। तो मास्टर रीसेट पे ओके करने के बाद यहाँ से आपको पूछ रहे हैं आपके मास्टर रीसेट करना चाहते हो, देन अगर करना चाहते हो तो गो अहेड यस ओके कर दे, और नहीं तो आपको नीचे एग्जिट है, एग्जिट का ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो मुझे यहाँ से मास्टर रीसेट करना है क्योंकि मुझे ओल्ड फ्रीक्वेंसी से नया फ्रीक्वेंसी में अपडेट करना है इस सेटअप बॉक्स को, तभी मेरा सिग्नल शो होगा। अदरवाइज मेरा सिग्नल जितने भी मैं पिक कर लूँ बट यहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम्स या सिग्नल का इशू नज़र आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से ओके कर दिया, मेरा सेटअप बॉक्स रिस्टार्ट हो रहा है रिसेटिंग होके। तो इस प्रोसेस पे 30 सेकंड जैसे कुछ टाइम लेगा, फिर इसे प्लीज़ वेट आपका सामने इसे आएगा कुछ लिख के आपका टीवी स्क्रीन पर, फिर इसके बाद आपका टीवी स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन लैंग्वेज कुछ का ऑप्शन आएगा। तो देखिए ये ऑन स्क्रीन लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से थोड़ा क्लीन करके मैं इमेज के सारे आपको दिखाने के लिए, ऐसा कुछ आएगा आपका टीवी पर ऑन स्क्रीन लैंग्वेज, इसे सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका भाषा है। फिर आपको जो रेजोल्यूशन है HD का उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद बता रहा है आपको प्रॉपरली कनेक्टेड है आपका सारा डिश एंटीना के साथ केबल वगैरह, तो आपको यहाँ से भी सिलेक्ट करना है, इस प्रोसेस को भी सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको LNB यूनिवर्सल लेना है और फ्रीक्वेंसी 09750106000, ये दोनों लेना है। अगर ये सही है तो आगे बार ओके करें, आपके वहाँ पे भी अगर इसे सेम है देन आगे बार के ओके करें आप। तो यहाँ से देखिए आपको जो सेटेलाइट दिखाएगा आपको एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आपको देखिए GSAT K9 HOME नहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एडिट करके आपको GSAT K9 HOME करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 23 का जो दिया हुआ है IN4A 40 23, इस पर जाएंगे आप, इस पर सिलेक्ट, इस पर जब भी आएंगे तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है एडिट एंट्री पॉइंट, यानी कि येलो कलर का बटन शो हो रहा है एडिट एंट्री पॉइंट। तो हम इसको यहाँ पे जाके सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे पहुँचने के बाद हम येलो वाला बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि हमें एडिट करना है उस सैटेलाइट को। तो येलो वाला बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको एडिट एंट्री पॉइंट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमें चेंज करना है सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया हुआ है, सिंपल रेट दिया हुआ है, पोलराइजेशन दिया हुआ है, ये सारे डिटेल्स को हमें चेंज करना है, FEC ये सब चेंज करना है हमें। तो इसके लिए मैं थोड़ा टीवी स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए मेरा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ और था, तो मैं यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी रहता है वहाँ पे उसे अब इग्नोर करें, जो फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पे देखिए 11630 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नंबर पे 11550 कर दूंगा। फिर जो ये पोलराइजेशन नीचे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, मैं 11550 दे दिया फ्रीक्वेंसी। फिर पोलराइजेशन को मैं वर्टिकल कर देता हूँ जो हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे 32720 जो भी है सिंबल रेट वही उसी के रहने देंगे,
और यहाँ पे 2x3 कर देंगे एपीसी जो है, एपीसी को आपको 2x3 कर देना है। और मॉड्यूलेशन टाइप जो लास्ट में रहता है, यहाँ पे देखिए DVBS, SQ, PSK ये भी नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पे S28PKS यही चाहिए एक्चुअली। DVBS ये अगर सही है तो इसे सिलेक्ट कर दें, तो जो मैंने दिखाया उसे सिलेक्ट किया। अभी नेक्स्ट का बटन है नीचे, देखिए सिलेक्ट बटन को यानी कि ओके बटन को प्रेस करके आगे बढ़ना है नेक्स्ट। तो आगे बढ़ के देखिए यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो मेरा सिग्नल शो हो चुका। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर सिग्नल मेरा बिल्कुल शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको भी इसी तरह से सिग्नल जब शो हो जाएगा तो आप यहाँ से आपको सिलेक्ट या फिर ओके जो रहेगा आपका रिमोट पे टटस करके रिमोट पे उस बटन को 4 से 5 बार प्रेस कर लेना है कंटिन्यू, सिलेक्ट टू नेक्स्ट के नीचे लिखा आएगा। इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली सिग्नल सेव हो जाएगा, आपके पिक्चर्स चालू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।